मेरे हृदय आंगन में विराजमान परम पूज्य गुरुदेव जी मंगलमय संत समाज साध्वी समाज सत्संग प्रेमी सज्जनों भक्तिमय माताओं इस वसुंधरा के नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, बड़ी खुशी की बात है आपके इस पावन ग्राम कुकुरदी केरा में सदगुरु कबीर साहेब जी की पावन जयंती महोत्सव कार्यक्रम इस वर्ष मनाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न जगहों से संत गुरुजन पधारे हुए हैं, भक्त सज्जन भी पधारे हुए हैं और ये हम सबके लिए बड़े ही हर्ष का विषय है। कबीर जयंती एक निमित्त है सदगुरु कबीर साहब के संदेशों को विचारों को जनमानस तक प्रचारित करना एवं उनके संदेशों एवं विचारों को आत्मसात करके अपने जीवन को सुंदर बनाना, अपने जीवन का कल्याण करना, इसी उद्देश्य से आज का कार्यक्रम है। आपने संतों से विभिन्न विषयों में सदगुरु कबीर साहेब जी के संदेशों को श्रवण किया। सदगुरु कबीर साहब आज से ठीक 625 वर्ष पूर्व इस धराधाम में अवतरित हुए। उनके जीवन को लेकर के विभिन्न किंवदंतियां हैं, अलग अलग विचार हैं, लेकिन हम सबको उनके जन्म को लेकर के कोई विचार नहीं करना है या नहीं रखने की जरूरत है, क्योंकि कौन किस जगह जन्म लिया, किस परिवार में जन्म लिया, किस समय जन्म लिया, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण उसने क्या किया और समाज को क्या दिया, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और निस्संदेह सदगुरु कबीर साहब ने अपने जीवन को ऐसे सुंदर ढंग से जिया और जन समाज को, पूरे भारतीय संस्कृति को उन्होंने ऐसा अनमोल रत्न दिया जिसके बदौलत आज सदगुरु कबीर को गांव गांव में याद कर रहे हैं, उनकी जयंती मनाई जा रही है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब की जयंती मनाना, उसकी पूजा करना, उसकी आरती वंदन मात्र कर लेना, ये सदगुरु कबीर साहब जी के मूल सिद्धांत या संदेश का उद्देश्य नहीं है। अगर हम सच्चे सदगुरु कबीर साहब के अनुयायी हैं तो उनके संदेशों को अपने जीवन में आत्मसात करने की जरूरत है। कबीर साहब का जिस प्रकार से हमारे साहब जी ने बताया, हीरे के 56 पहल होते हैं और वो अपने में ज्योतिर्मय प्रकाशमय होते हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब के इतने पहल थे, उस पहल को गिन पाना भी संभव नहीं है। अगर ये तो 2 घंटे का सत्संग है, अगर हम दिन भर का ही नहीं, 3 दिन तक का नहीं, सप्ताह दिन तक नहीं, महीनों अगर चर्चा करते रह जाएं तो भी दिन कम पड़ जाएगा। इतने पहल हैं, आप जिस भी पहल से सदगुरु कबीर साहब को देखना चाहें उसी में उत्तीर्ण होते हैं। जैसे एक विद्यार्थी होता है ना, वो 5-6 कला विषय होता है और सभी विषय में वो उत्तीर्ण होता है। कबीर साहब के तो इतने सारे विषय है जिसको गिनना भी कठिन है। जिस भी विषय में वो अपनी बात रखते हैं ऐसा लगता है कि इससे बढ़कर के आज तक किसी ने कुछ भी नहीं कहा होगा।
लेकिन खास बात यह है, उसने क्या क्या कहा, क्या दिया, ये भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है, उससे हमने क्या सीखा और उनके बताए हुए रास्ते पर कितना हम चलते हैं, ये हम सबके लिए ज्यादा आवश्यक है। अगर सद्गुरु कबीर साहब आज आ जाए ना इस धरती में, इस दुनिया में, तो देखेंगे कि 600 साल पहले जो भ्रांतियां, जो पाखंड, जो अंधविश्वास तब थी, आज उससे कम नहीं है, बल्कि आज तो और लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, अखबार टेलीविजन के माध्यम से, और भ्रांति को, अंधविश्वास को, पाखंड को इतना फैलाते जा रहे हैं। लोग समझते थे शिक्षा बढ़ेगी, लोग शिक्षित होंगे तो भ्रांतियों से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन आज गांव के गंवार, अनपढ़, कम पढ़े लोग उतने भ्रांतियों में नहीं फंसे हैं जितना आज पढ़े लिखे लोग, शहरी लोग फंसे हुए हैं। और ऐसे समय में सद्गुरु कबीर साहब का विचार ही, उसका मार्ग ही हम सबके लिए श्रीकर है, श्रेष्ठ है। लेकिन मैं बहुत ऊंची बातें नहीं करना चाहूंगा। सद्गुरु कबीर साहब जी की अगर एक एक विचार को भी, सद्गुरु कबीर साहब के जितने भी साखी दोहे हैं ना, वो सब अपने आप में सूत्र है, मंत्र से कोई कम नहीं है। जैसे कोई भक्त, कोई शिष्य गुरु के पास जाता है, मंत्र दीक्षा लेता है, कई जगह तो मंत्र लेने का इतना हुआ है कि देखो हमारे संस्था में जाओगे, हमारे गुरु के पास जाओगे तो ऐसा ऐसा मंत्र देते हैं कि सीधा मुक्त हो जाओगे। आप सबको मैं बताऊं, अगर आप सच्चे सद्गुरु की अनुयायी हैं और सद्गुरु कबीर साहब के पथ पर चलते हैं तो उनके एक एक साखी दोहा सब अपने आप में मंत्र है। मंत्र अर्थात वो हमारे जीवन के लिए सलाह है, अगर उसके मार्ग पर चलें तो निश्चित है हमारा जीवन सुख शांति से ओतप्रोत हो जाएगा, हम सबका कल्याण हो सकता है। सद्गुरु कबीर साहब के विचारों को हम कैसे आत्मसात कर सकते हैं, तो उसको चार रूप में मैं व्यक्त करने का प्रयास करूंगा संक्षिप्त में ही। सबसे प्रथम है अपने आचार और विचार को शुद्ध करके, यहीं से गड़बड़ी होती है, अर्थात हमारा खाना पीना बिल्कुल बिगड़ गया है। कैसे कबीरपंथी हो सकते हैं? कबीरपंथी होने का सबसे पहला मूल मंत्र है कि हमारा आहार शुद्ध हो, हमारा भोजन शुद्ध हो। सही नहीं? क्या होना चाहिए? सबसे पहले आहार शुद्ध होना चाहिए। आहार शुद्धि सत शुद्ध, सद शुद्धि दृढ़ समृति। आहार के शुद्ध होने से सद शुद्ध होता है, सत्व कहते हैं अंतःकरण को, और अंतःकरण के शुद्ध होने से हमारा जीवन में पवित्रता आती है, हमारा जीवन भी सुंदर होता है। इसलिए खास करके भाइयों से मैं निवेदन करूंगा, बहनों से भी निवेदन करूंगा कि आप अगर आपका भोजन किसी भी प्रकार से हिंसा से ग्रसित है और द्रव्यसन से ग्रसित है तो दोनों प्रकार के भोजन का त्याग करिए। पहला भोजन क्या, हिंसा से ग्रसित भोजन नहीं होना चाहिए। तो हिंसा से ग्रसित होने का दो अर्थ है। हिंसा से ग्रसित होने का पहला अर्थ है कि आपके भोजन में किसी जीव की हिंसा ना हो, मांस ना हो, मटन ना हो, मछली, अंडा, मुर्गा, जितने प्रकार के आप भोजन के लोग करते हैं इसका त्याग होना चाहिए। ये पहला भोजन सुधार है। लेकिन हिंसा इतने से नहीं सुधरता है। अगर किसी व्यक्ति को
परेशान करके, छीन करके, मार करके, लूट करके अगर खा रहे हो तो वो भी भोजन हिंसा से युक्त है। ऐसा भोजन नहीं होना चाहिए। भोजन कैसे हो? तो शुद्ध कमाई का, ईमानदारी से कमाई का, वह कमाई का जिसके करने पर मेहनत करके, जिस मेहनत में किसी प्रकार का कोई अपराध ना हुआ हो, दोष ना हुआ हो, किसी की हिंसा ना हुई हो और किसी को दुख ना दिया गया हो, ऐसा भोजन। अगर आप धन कमाते हैं, उस धन कमाने में अगर आप दूसरों को छलते हैं, धोखा देते हैं, लूटने का प्रयास करते हैं और उस भोजन को ग्रहण करते, तो मैं कहता हूं कि इसमें भी हिंसा होती है। इसलिए से हिंसा से निवृत्त भोजन करिए, शुद्ध भोजन। दूसरा क्या है? व्यसन का त्याग। आज हमारी पूरी भारत के लोग द्व्यसन से ग्रसित है और सबसे ज्यादा नशा शराब की नशा। अब माता बहन कम नहीं है, मैं कई घर में जानता हूं, वो गुड़ाखू है ना, शादी यहां ना हो तो बहुत अच्छी बात है। और ये छत्तीसगढ़ में बस मिलता है, आपको जानकर आश्चर्य होगा। इसलिए माता बहनों से मैं निवेदन, ये प्रारंभ यहां से होता है, सत्संग यही से प्रारंभ होता है। जीवन शुद्ध हो और जीवन शुद्ध होने के लिए भोजन शुद्ध होना जरूरी है। भाई यहां पर बैठे होंगे किसी भी उम्र के, अगर आप सच्चे और अच्छे कबीरपंथी हैं, अपने को मानते हैं, तो जीवन में कुछ ज्यादा न कर पाए तो कम से कम भोजन में सुधार कर लीजिए, व्यसन का और हिंसा का त्याग कर लीजिए। आज ये संकल्प ले लें, ये कबीर जयंती नहीं बल्कि संकल्प दिवस है। हम अपने जीवन को मूल्यांकन करने का यह दिन है। आज 625 साल पहले कबीर साहब आए, आज 626वां कबीर जयंती हम मनाने जा रहे हैं। अगर आज भी वही हैं जो 600 साल पहले थे, है ना, अगर आज भी वही है, आज भी एक मतलब पहले के लोग मांस मछली खाते थे, व्यसन किया करते थे, अगर वही काम हम भी कर रहे हैं तो 600 साल बीतने के बाद भी क्या अंतर पड़ा? कोई अंतर पड़ा? अरे अगले साल फिर से कबीर जयंती मना लेंगे, यूं ही अनवरत चलता रहेगा, इससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए भाइयों से मेरा विनम्र निवेदन है, आप जितने प्रकार के नशा करते हैं, ये नशा ना, ये नशा आपको ही बर्बाद नहीं करता, ये नशा आपके धन को बर्बाद करता है, आपके स्वास्थ्य को बर्बाद करता है, आपके जीवन को बर्बाद करता है, और इतना नहीं पत्नी के भी जीवन को नरक बनाता है, बच्चे के भी जीवन को नरक बनाता है और आपके पूरे घर को वो तबाह कर देता है। इसलिए व्यसन का त्याग करें, बीड़ी सिगरेट का त्याग करें। और बीड़ी सिगरेट तो आज कम ही करते, सबसे ज्यादा व्यसन होता है ना गुटका। और एक संत ने तो बड़ी अच्छी परिभाषा की, गुटका गु याने जानते ना, समझ गए? अरे बच्चिया जल्दी समझ गई, इसलिए आप लोग भी सत्संग, गु याने गु मतलब टट्टी, अब खाने खा, आप गुटका नहीं खाते गु खाते हैं। आज गुटका बता दूं कैसे बनता है। गुटका में सड़ा हुआ सुपारी, थोड़े से तंबाकू, चूना और कांच को पीस करके डाला जाता है और चौथा उसमें छिपकली की चमड़ी डाली जाती है जर्दा बनाने के लिए। आज समझ लीजिए इस बात को, आप अपने जेब से 10 रुपये 15 रुपये निकालते हैं और आप गुटखा खाते हैं, थूक देते हैं और उसी गुटखा को बेच बेच करके बड़े बड़े उद्योगपति धनी होते चले जा रहे हैं, अमीर होते चले जा रहे हैं। आप सोचते क्या हम लोग गरीब हैं? आप गरीब नहीं हैं, हम गरीब नहीं हैं। आप अपने जीवन में एक दिन में अगर 25 रुपए का गुटखा खाते हैं, कम से कम बोल रहा हूँ भाई मैं, सही कि नहीं, उस 25 रुपए को इकट्ठा करिए, मेरी गारंटी है, मुझे मत दीजिए, ऐसा नहीं बोलता, दे दे तो अच्छी बात है, सक्रिय आश्रम का विकास होगा जी, बोले सदगुरुदेव की।
लेकिन अगर उस 25 रुपए को अगर बचाएंगे 20 रुपए 25 रुपए को, तो आपके अगर दो बच्चे भी हैं तो उसको पढ़ने के लिए कभी पैसे की कमी नहीं पड़ेगी। हम लोग क्या सोचते हैं, हम क्या करें, हम गरीब हैं, हम अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाते, अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते। आप केवल एक चीज का त्याग करके देखिए, क्या व्यसन का त्याग करके देखिए। व्यसन में हमारे कमाई का कम से कम चौथाई हिस्सा समाप्त होता है, बर्बाद होता है। और महीने खुश मत हो, क्योंकि भाई को मैं बोल रहा हूं, ये हमारी बहनें माताएं बहुएं फैशन थोड़ा कम कर दे। हाँ, सबसे ज्यादा पैसा तो टिकली मोहर में खत्म। अरे टिकली मोहर लगाइए, मना थोड़ी ना है, फैशन भी करिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पैसा इसी में सब बर्बाद। एक घर में गया था, एक बहन को पूछा कि बहन क्या कर रही हो, तो कही साहब जी आज घर की सफाई कर रही थी, तो सफाई करते करते पूरा दिन निकल गया। कहे कैसे, कहे दो तीन तो अलमारी है, दो तीन अलमारी उसमें क्या रखती हो, कहे उसमें सब में साड़ी, कितनी साड़ी होगी, उसने कहा 80 साड़ी तो होगी। बोले कितनी साड़ी, 80 साड़ी। अब बताइए एक आदमी 80 साड़ी 80 दिन पहनते रह जाएंगे, 3 महीना बीत जाएगा, 4-5-6 चप्पल जूते। जीवन को बहुत सरल बनाइए, सहज बनाइए। अगर आनंद चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, तो जीवन अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना प्रारंभ करिए। करके तो देखिए कम नहीं पड़ेगा। हम दूसरों के लिए कहां जीते हैं, सब कुछ अपने लिए चाहते हैं, मुझे मिल जाए मुझे मिल जाए। और संत गुरुजन कहते हैं कि आप दूसरों के लिए जीना सीखें, जितना आप दूसरों के लिए जीते हैं उतना आपको लौट करके मिलता है। ये प्रकृति का एक सुंदर नियम है। आप सब किसान हैं, यहाँ पर देखिए 6 महीने के बाद आपको फसल मिलेगी, सही है ना। आज से 6 महीने बाद यानी दीपावली के बाद ही फसल काटेंगे ना जी, लेकिन अभी 1.5 महीना बाद क्या करेंगे, आप घर के अनाज को जाकर के छींचते हैं, पहला बीज डालते हैं। तो पहला त्याग किए ना, त्याग किए कि नहीं किए। अगर अगर आप त्याग नहीं करते, खेत में जाकर के बीज नहीं डालते, तो 6 महीने के बाद आप हजारों गुना काट भी नहीं पाएंगे। ये सूत्र याद रखिए, प्रकृति का सूत्र है। इसी प्रकार से आप दूसरों के जीवन में जो बोते हैं वही आप अपने जीवन में काटते हैं। अगर दूसरों को आपने धन दिया है, दूसरों की सेवा किया है, दूसरों का आप सहयोग किया है और दूसरों को कुछ दिया है, वो आपको लौट करके मिलने वाला है। इसलिए आज जितना हो सके दीजिएगा। आज दान धर्म करने का भी दिन है, सही कही नहीं। हाँ, और एक साल बाद वो डबल मिल जाएगा, डबल ही नहीं कई गुना। तो मैं कह रहा था सदगुरु कबीर साहब के विचार कि हमारा जीवन शुद्ध होना चाहिए, तो सबसे पहले हमारा आहार शुद्ध हो, हमारा भोजन शुद्ध हो। और बहन ज्यादा बैठे हैं, भाई कम दिख रहे हैं, लेकिन जो हमारी बहनें हैं बहुएं हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर आपका देवर, आपका पति, आपका ससुर, ससुर क्यों ना हो, बाबूजी आज के बाद आप गुटखा नहीं खाएंगे, क्यों, क्योंकि मैं आपसे प्रेम करती हूं, आप कहिएगा। आप अपने पति से कहिए कि पति देव आज से आप किसी प्रकार से द्रव्यसन का सेवन नहीं करेंगे। क्यों, मैं क्योंकि आपसे बहुत प्यार करती हूं और आपको मैं अपने से दूर करना नहीं चाहती। आप सब सब की मांग करते हैं, सोने की मांग कर लेते, गए देखिए नहीं देंगे तो मुंह फुला करके बैठ जाते हैं, सही है ना। साड़ी नहीं लिए तो खाना छोड़ दिए, मैके नहीं जाने दिए तो दिन भर भुनभुनाने लग गए। कभी आपने पति को कहा कि देखो जी आज से अगर गुटखा खाओगे तो मैं भोजन नहीं करूंगी, कहेगी क्या, नहीं। अच्छा काम के लिए कोई आपने प्रयास नहीं किया। ये बहन अगर चाहें, माताएं अगर चाहें, तो इस घर को क्या पूरी धरती को पलट करके रख सकती है, सकती कि नहीं सकती है, लेकिन आपने कभी प्रयास नहीं किया। मैं माताओं से बहनों से निवेदन करता हूं कि आपके घर की चाबी, और घर की नहीं पति की चाबी आपके हाथ में है। आप जैसे घुमाना चाहेंगे वो जब खोलना चाहे खुल भी सकता है, जब बंद करना चाहे बंद हो सकता है, इतना मानते हैं ना। धर्म पथ के लिए भी करके देखिए।
इसलिए पहला सूत्र है कि जीवन में पवित्रता हो तो खान पान शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध हो, जब खान पान शुद्ध होगा तो आपका विचार भी शुद्ध होगा, आपकी वाणी भी शुद्ध होगी। तो पहला विचार है आपका भोजन शुद्ध होना चाहिए। जैसे खाए अन्न वैसे बोले मन, और जैसे पिए पानी और वैसे बोले वाणी। ये हमारे पुरुष भाई लोग क्या बोलते हैं, हम लोग देवता हैं, क्या बोलते हैं, तो हमारी सेवा करो। आप कहना कि आप देवता हैं, आपकी चरण की वंदन करेंगे, पूजा भी करेंगे, लेकिन देवता बन के दिखाओ, सही है कि नहीं? अरे देवता यूं थोड़ी बन जाओगे जी। और ये हमारी माताएं अगर देवी हैं तो आप सबको देवी बनने की जरूरत है, और हमारे भाइयों को देवता बनने की जरूरत है। और देवी और देवता कैसे बनते हैं? मछली खाने वाला देवता, गुटखा खाने वाला देवता, शराब पीने वाला देवता, बीड़ी पीने वाला देवता, ऐसे देवता बनते हैं। देवता तो वह बनता है जिसमें दिव्य गुण होता है। आप देवी हैं तो अपने अंदर दिव्य गुण पैदा करो। अगर आपके अंदर में दिव्य गुण पैदा होगा तो आप अपने बच्चों को दिव्य संस्कार दे पाएंगे। अगर बच्चों को अगर संस्कार नहीं मिल पा रहा है, इसका कारण है कि आपके अंदर में दिव्य गुण और दिव्य आचरण नहीं है। इसलिए आप देवी कहलाने योग्य नहीं है और आप देवता कहलाने योग्य भी नहीं। मैं मानता हूं कि आप सब देवी देवता है, लेकिन उस देवत्व को प्रकट करना होगा, उस देवीपन को प्रकट करना होगा। इसी आपके सभी के बीच में रणचंडी है, देवी है, कोई दुर्गा है, कोई सावित्री है, कोई सरस्वती है। ये जो माताएं जब अपने बच्चे को संस्कार देती है, पढ़ाती है, तो सरस्वती हो जाती है। जब वो अपने बच्चों का लालन पालन करती है तो वो लक्ष्मी हो जाती है। और जब बच्चों को बुराई से रोकती है, वो कभी डांटती है, तो वही रणचंडी भी हो जाती है। होती कि नहीं होती? आप में कम शक्ति नहीं है, अपने शक्ति को संभालिए और अपनी शक्ति को भी पहचानिए। दूसरा सूत्र है कि सबके साथ सुंदर प्रेम का व्यवहार करें, सबके साथ सुंदर ढंग से जीवन जिए। और प्रेम का व्यवहार करने का प्रथम स्वरूप है मीठा वाणी का प्रयोग और सबको आदर देना। अगर ये दो चीज आ जाए, ध्यान से सुनिए, बहुत लंबा भी नहीं करूंगा, उबना भी मत और घबराना भी मत कि कब तक बोलेगा, ज्यादा टाइम तक नहीं बोलने वाला। तो सभी के लिए मैं निवेदन करता हूं, अगर जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं तो क्या करें, अपनी वाणी को सुधार लीजिए। आधा से ज्यादा लड़ाई हमारी वाणियों के कारण होती है और हमारी आज वाणी बिगड़ी हुई है। ये माता बहने अपने ही औलाद को, अपने ही बच्चे को कभी विचार करना, ये हमारे डोकरी डाई मन है, अपने नाती पोतर ऐसे उटांग उटांग गाली देती है। ये भाई लोग हर शब्द में रे बे साले चरकट बेसिया, पता नहीं ये कैसे कैसे गाली। देखिए अभी मैं बोलता हूं आपको हंसी आ रही है, और अभी कोई गलती करेंगे ना, वो चट ले मारे वो गाली देवे, सही कि नहीं? होती कि नहीं? इसलिए मैं पुराण काल में नहीं जाता, महाभारत की कथा नहीं कहता, मैं तो आप और हमारे जीवन की व्यथा को कहता हूं, जो रोज घटता है रोज होता है। विचार करना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, करो विचार जो सब दुख जाए। अगर विचार करेंगे तो जीवन के दुख भी चला जाए। सोचो तो अपने ही बेटा को रोगा कहते कि नहीं कहते हैं, बेर्रा। अब बेर्रा किसको कहते हैं? आप सब किसान खेत में जाते हैं निंदाई करने के लिए, तो करगा बेर्रा कहते हैं ना। और आपको कोई कह दे सच में कि तुम कुकर्मी हो, व्यभिचारिणी हो, तो सहोगी या भाई सहेंगे? नहीं सहेंगे। लेकिन अपने बेटे को क्या कह रहे, वही तो कह रहे हो ना, क्या कह रहे हो उसको, ये दूसरे की औलाद है। अर्थ करेंगे तो वही होता है कि नहीं होता? मेरे कहने का तात्पर्य भाइयों बहनों कि हम जो बोलते हैं ना, थोड़ा सुधार करके बोले, प्रेम से बोले। ये तो हुआ गाली देते हैं, वो गाली न भी दे तो आदमी गुस्सा में बोलता है, उत्तेजित होकर के बोलता है। जैसे सास बैठी है, आप भोजन देती हैं,
और भोजन देने के लिए अगर बहू जाती है, प्रेम से थाल को उठाती है, मुंह से गीत गुनगुना रही है और गीत गुनगुनाते हुए प्रेम के साथ थाली को रखती है, माँ को प्रणाम करती है और कहती कि माँ भोजन को पा लीजिए, मैं कहता हूँ कि जितना पेट उस भोजन से नहीं भरेगा उससे ज्यादा आपकी वाणी से उसका पेट भर जाएगा। सही कि नहीं है? और आप कैसे दिए? झटपट झटपट निकाले और दाल चावल डाले और झट से पटक दिए, ले खा। कोई जानवर है क्या? देखिए व्यवहार में ही, व्यवहार में ही हमारे संस्कार झलकते हैं। इसलिए कबीर मंच आपको संस्कारी बनाने के लिए कहते हैं। और आपकी पहचान धन से होने वाली नहीं है, आपकी पहचान आपकी चेहरा से होने वाली नहीं है, आपकी पहचान आपके कर्म से होने वाली है, आपकी पहचान आपकी संस्कार से होने वाली है, आपकी पहचान आपके सुंदर जीवन से होने वाली है। आप कहीं भी जाइए, आपका संसार ही, संस्कार ही आपके जीवन का मूल्यांकन करने वाला है। तो क्या करना है? हर काम प्रेम से करके देखिए। सबके साथ प्रेम का व्यवहार करके, प्रेम का व्यवहार है, सबको देकर के तो देखिए। माँ बाप क्या चाहते हैं, सास ससुर क्या चाहते हैं, पति पत्नी एक दूसरे के लिए क्या चाहते हैं, सब प्रेम चाहते हैं। आपको मैं पूछूं प्रेम होता क्या है जी? प्रेम की बड़ी चर्चा होती है, फिल्म कलाकार लोग भी प्रेम की चर्चा करते हैं, कवि लोग भी फिल्म की प्रेम की चर्चा करते हैं, संगीत कलाकार लोग भी प्रेम की गीत गाते हैं, ये साधु संत भी प्रेम की बात करते हैं। लेकिन प्रेम क्या है कभी समझ में आया? प्रेम की तो बड़ी चर्चा करते हैं आप सब, कभी समझ में आया प्रेम क्या है? प्रेम है मधुर व्यवहार पूर्वक आदर सम्मान के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ करके व्यवहार करना ही प्रेम कहलाता है। जब आप आदर और सम्मान के साथ संस्कारित होकर के जब व्यवहार करते हैं उसी व्यवहार को प्रेम कहते हैं। सही कि नहीं? जैसे आप मंदिर जाते हैं, मैं लोगों को बार बार कहता हूं कि लोग आजकल नए घर बनाते हैं ना, तो ये किसी कोने में भगवान के लिए जगह भी बना लेते हैं, मंदिर बना लेते हैं। बड़ी अच्छी बात है, बनाना भी चाहिए, लेकिन ये आपकी सफलता नहीं है कि आपने एक भवन बनाया और उस भवन के किसी कोने में सदगुरु कबीर साहब को स्थापित कर दिए, दुर्गा माता को स्थापित कर दिए, शंकर भगवान को स्थापित कर दिए, गणेश जी को स्थापित कर दिए। ये आपकी सफलता नहीं है, बल्कि आपकी असली और सही सफलता यह है कि आपका वह घर घर नहीं बल्कि देवालय बन जाए, मंदिर बन जाए। और ये मंदिर तभी बनेगा, कैसे बनेगा मंदिर, कैसे बनेगा? तो मंदिर में करते क्या है? जो मंदिर में आप करते हैं वही काम आप घर में करना प्रारंभ कर दीजिए। सही कि नहीं? तो आपके गांव में कोई नया मंदिर बनाने की जरूरत नहीं बनेगी, नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके गांव में जितने घर है वो सब घर मंदिर बन जाएंगे। हम अपने घर को मंदिर नहीं बनाना चाहते, इसीलिए हम गांव के चौराहा में, गांव के बाजार में या गांव के तालाब किनारे हम मंदिर बनाते हैं, ताकि भगवान ही हम मत रहे। क्यों? अगर घर में भगवान रहे तो बेईमानी कौन करेगा जी? अगर घर में भगवान रहे तो लड़ाई किससे होगी? भगवान के सामने नहीं लड़ सकते, इसलिए कहां रख दिए उसको? तालाब किनारे रख दिए, चौराहा में रख दिए। नहीं, आपका परमात्मा आपका भगवान आपके घर में होना चाहिए। और जब आपका परमात्मा आपका भगवान आपके घर में होगा तो आप वही व्यवहार करेंगे जो परमात्मा के साथ भगवान के साथ मंदिर में करते हैं। मैं भाइयों से निवेदन करूंगा, क्या आप मंदिर जाते हैं तो गुटखा खा करके जाते हैं? नहीं जाते ना? क्या को भाई मंदिर जाता है तो सिगरेट पीते पीते जाता है, शराब पी करके जाता? तो जब मंदिर में हम सिगरेट पी करके नहीं जा सकते, जब मंदिर हम जाते हैं तो गुटखा खा करके नहीं जा सकते, जब मंदिर हम जाते हैं तो गंदगी से लिप्त होकर के नहीं जा सकते, तो यह जो घर है जहां हमारा जन्म हुआ है, जहां सच्ची देवी और देवता रहते हैं, उस घर में कैसे गुटखा खा करके शराब पी करके हम आते हैं? विचार तो करिए। ऐसे हमारे माता बहन जब मंदिर जाती है तो प्रेम और श्रद्धा के साथ में स्नान करके भक्ति और भावना के साथ जाती है। अगर वैसा ही व्यवहार घर के लोगों के साथ करने लग जाएं और सबों को देवी और देवता समझने लग जाएं तो जीवन स्वर्ग बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा?
बन सकता है। तो इसलिए प्रेम के साथ जीवन जीना सीखें, और प्रेम के साथ जीवन जीने के लिए क्या करें, सबके साथ सुंदर व्यवहार करें, आदर का व्यवहार करें, आदर और सम्मान। आप क्या चाहते हैं? आदर चाहते हैं ना? यहाँ पर जितने लोग बैठे कौन आदर नहीं चाहता? कोई अपमानित होकर जीना चाहता है? कोई नहीं, सब आदर और सम्मान चाहते हैं। इसलिए छोटे से छोटे बच्चों को भी आप आदर दीजिए, सम्मान दीजिए, और बड़ों को तो सम्मान देते रहिए। इसलिए रोज सवेरे शाम अपने बड़ों का प्रणाम करिए, अभिवादन करिए, उसके साथ सुंदर व्यवहार करिए। सासू है तो उसको डोकरी मत बोल, हाँ कई घर में डोकरी और यही अलग अलग नाम लेते हैं। बढ़िया प्रेम से आप माँ बोल सकते हैं, माताजी बोल सकते हैं। आप माँ बोलेंगे वो भी बेटी बोलेंगे, आजकल प्रथा है, रिवाज भी अच्छा है। तो लेकिन बोल करके नहीं बल्कि दिल से निकलना चाहिए। सब कुछ कहाँ से हो? दिल से। क्योंकि दिल क्या है पता है? ये दिल ही वो अमृत स्थल है, ये दिल ही वो क्या है, ये तराजू है, यहीं से सब कुछ तौल तौल करके निकालते हैं। कबीर साहब ने कहा, बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, और ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। ये हृदय रूपी तराजू है, इसमें तौलिए और तौल करके सब बात को बोलिए, तौल करके व्यवहार करिए। क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, क्या बोलने योग्य है, क्या नहीं बोलने योग्य है, ये जो हृदय है ना, ये प्रेम का सागर है, यही अमृत स्थल है। सब कुछ को यहाँ से निकालिए, क्योंकि ये कभी झूठ बोलता, आदमी झूठ बोल सकता है, मन झूठ बोल सकता है, लेकिन दिल कभी किसी का झूठ बोलता। लेकिन दिल की आवाज हम सुनते कहाँ हैं? दिल को तो हमने मार दिया है, दिल को तो हमने दफना दिया है, दिल को तो हमने शमशान घाट बना दिया है। इसलिए दिल की आवाज हम कभी सुन पाते नहीं। दिल की आवाज अगर सुनना हो ना, तो शांत अपने बिस्तर पे चले जाना, दो मिनट बैठ जाना, और बैठ करके जब सोचना, दिल पे हाथ रख करके सोचना, क्या जो मैंने कहा, मैंने जो बोला, जो मैंने किया, क्या वो सही है? तो अंदर से आवाज आएगा कि बिल्कुल नहीं, तुमने जो कहा, जो तुमने किया और जो तुमने बोला वो सब गलत था, ऐसा तुमको बोलना नहीं चाहिए। लेकिन मन में एक अहंकार और स्वार्थ का पर्दा है, वो क्या कहता है, अरे अरे रहने दो। अगर वो अगर ऐसे कहता तो क्या उसको हम चूमते रहे क्या? मन क्या कहता है? मन अहंकार से भरा रहता है, और मैन कभी झुकने देता, अहंकार कभी आपको झुकने देता नहीं। इसलिए आप कभी मन की बात सुनना मत, और अहंकार से जीवन जीना मत, सरल हो जाइए। कबीर साहब ने कहा, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, और चीटी चावन ले चली हाथी के सिर दूर। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर, और पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। बड़ा होने से क्या हुआ? अगर ऐसा भी बड़प्पन किस काम का कि हम किसी को सुख न दे सकें, किसी की सेवा न कर सकें, किसी की बात न सुन सकें, किसी को आदर न कर सकें, ऐसा भी बड़प्पन किस काम का? इसलिए छोटा बनना सीखिए, छोटा बनने से ही, और बड़ा बनना है ना, तो बड़ा बनने के लिए बड़प्पन चाहिए, और बड़ा बनने के लिए बड़ा वाला गुण चाहिए। बड़ा कैसे बनती है? आपके घर में बड़ा बनती है कि नहीं बनती है? बताएं, बड़ा खाते हो नहीं? एकदम बढ़िया मीठा था। बड़ा बनने के लिए कितनी प्रक्रिया है। बड़ा बनाने के लिए क्या करते हैं, आप दुकान से आप उड़द खरीद करके लाते हैं, उस उड़द को आप रात में भिगाते हैं, पहले ठंडम बोर देते हैं, नहीं रात भर मर सर, अब वो दाल रात भर जब भीग जाता है ना, तो हाथ में मसल के रगड़ रगड़ के उसका पूरा छिलका उतार देते हैं। इतना में मन नहीं मारता, छिलका को अलग करके क्या करते हैं, उसको सिलबट्टा में पीसते हैं या मिक्सी में डाल करके पीस देते हैं। इतने भी बड़ा नहीं बनता, उसमें हल्दी नमक मिर्चा भी सब मिलाते हैं, और मिला करके उसको अच्छे से फेंटते हैं, और फेंट करके खोलते हुए तेल में डालते हैं, सही कि नहीं? और जब छन के निकलता है तो क्या बन जाता है, बड़ा। फिर कुरुस कुरुस खाने में बड़ा मजा आता है। आप भी बड़ा बनना चाहते हैं ना? बड़ा बनिए,
लेकिन बनना नहीं, बड़प्पन दिखाइए। आदर में बड़प्पन बनिए, देने में बड़ा बनिए, लेने में नहीं। देना होना तो उदार बनिए। छोटों को क्या समझना चाहिए, देखिए बड़ा बहुत व्यवहारिक बातें करता हूँ। इसलिए अगर छोटी बहन है, छोटी देरानी है, बहू है, तो क्या समझना चाहिए? अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, मेरा बहुत समय बचा है, मैं दुनिया देखूंगा, बहुत पहनने मिलेगा, मेरी बड़ी वाली दीदी को मिल जाए, मेरी जेठानी को मिल जाए, मेरी सास को मिल जाए, मेरे बड़े भैया को मिल जाए, मेरे बड़े पिता को मिल जाए। पिताजी आप ले लीजिए। कह बेटा ज्यादा पैसा नहीं, एक साल अमुक चीज लेना चाहता हूँ। कह हाँ ले लीजिए। कह तुम्हारे लिए? अरे पिताजी मैं तो अगले साल ले लूंगा, मुझे किस बात की चिंता है ना। छोटी वाली को क्या समझना चाहिए? नहीं दीदी मेरे पास तो बहुत सारे कपड़े हैं, इतनी कपड़ा को करूंगा भी क्या? अरे आप ले लीजिए। सासु माँ को बोल करके तो देखिए, कभी गिफ्ट किए हैं ना? हम दूसरों को गिफ्ट करते हैं, सगा संबंधियों को गिफ्ट करते हैं। आज बिल्कुल व्यवहारिक बात बता रहा हूँ, कोई त्योहार आए तो नया कपड़ा हो, सबसे कीमती कपड़ा हो, उसको निकालना जो सबसे कीमती, याद रखिए सबसे कीमती। ऐसे नहीं छटाई वाला, हाँ देख टाइम आते ना छटाई वाले देते हैं, जो सबसे सस्ता और सबसे बेकार। ये तो दीजिए मत, और देना हो तो क्या करें, सबसे अच्छा कपड़ा एक प्रयोग करके देना, जो सबसे कीमती कपड़ा हो, जो अपने मैके से भी लाई होंगी और बहुत ज्यादा कीमती कपड़ा है, उसको लाना और ला करके सास को दे देना, या अपने से बड़ों को देना, अपने देरानी को देना, और कहना कि माँ मैं, मेरे पास बहुत सारे कपड़ा है, आप इसी पुरानी कपड़े को पहनती रहती है, इसलिए मेरे तरफ से पहन कर देखना। वो सास लेगी भी नहीं, वो देरानी जेठानी लेगी भी नहीं, लेकिन उसका सिर ऊंचा हो जाएगा और सीना गर्व से फूल जाएगा। मेरी जो छोटी देरानी है वो इतने संस्कारी है, इतनी अच्छी है कि वो अपने पहनने, अपने खाने से पहले हम लोगों के लिए पहले सोचती है। सही कि नहीं? घर को स्वर्ग बनने का कला है, लेकिन ये छोटे के लिए नहीं, बड़ों को क्या सोचना है? अरे हमने तो दुनिया बहुत देख लिए, बहुत कपड़े पहन लिए, बहुत घूम लिए, बहुत इधर उधर कर लिए, अब हमारा समय तो बीत गया। ये जो छोटी बच्ची है, बहू है, बेटी है, इसका समय है। अगर ये पहन रहे हैं तो खुशी की बात है, अगर जिद कर रही है तो खुशी की बात है। एक कपड़ा क्या, दो कपड़ा भी दे देंगे तो भी कम पड़ जाएगा। माताओं को क्या सोचना है? ये मत सोच हाँ पिछले साल साड़ी लेवारिस, फिर एक ठो लेवारिस होगी है, रात दिन साड़ी नहीं। ये जीने की तरीका समझ लिए, दूसरों को देख करके जीने का प्रयास करिए, आपका जीवन संवर जाएगा। माता बहनों के लिए मैं निवेदन करता हूँ, हम जब एक दूसरे के लिए जीते हैं, जिसको कबीर साहब ने कहा, जब लग दिल पर दिल नहीं सब सुख ना, तब तक सब सुख नाई, और चारे युगन पुकारिया सो संशय दिल माए। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, अगर सुख चाहते हैं तो दिल से दिल मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? दिल से। और हमारा क्या मिलता है? पैसे से पैसा मिलता है जी, साड़ी से साड़ी मिलता है, और अन्य चीजों से मिलाते हैं, लेकिन दिल से दिल कभी मिलता नहीं। याद रखिए, सुख तभी मिलेगा जब आपस में दिल से दिल मिल जाएगा। पति से पत्नी का दिल मिल जाए, सास से बहू का दिल मिल जाए, बेटा से पिता का दिल मिल जाए, पड़ोसी से पड़ोसी का दिल मिल जाए। जब एक दूसरे का जब दिल मिलता है ना, तो सच्चा सुख मिलता है। अगर दिल नहीं मिलता है तो एक ही घर में है, एक छत के नीचे है, एक कमरे में है, अगर एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते हैं, इससे बड़ा नरक दुनिया में खोजने में आपको मिलेगा नहीं। मैंने एक सूत्र लिखा था कुछ दिन पहले, अपनी बात को विराम करूंगा, बस तीन मिनट, साढ़े सात को बंद कर दूंगा, राइट, तीन मिनट में। क्या स्वर्ग कहीं है नहीं, बल्कि पुण्य आत्मा दिव्य आत्मा जहां भी जाते हैं वह स्थान स्वर्ग हो जाता है। और नर्क भी दुनिया में कहीं नहीं है, बल्कि नारकी लोग, कुकर्मी लोग, व्यभिचारी लोग, दूसरे को ठकने और लूटने वाले लोग जहां भी जाते हैं उसको नरक बना देते हैं। पापात्मा जहां भी जाता है उस स्थान को नरक बना देता है, और पुण्यात्मा जहां भी जाता है उस स्थान को वो स्वर्ग बना देता है। इसलिए आप अपने जीवन को स्वर्ग बनाएं। अंतिम
बात मैं कहूंगा तो सदगुरु कबीर साहब का दो संदेश, अपने जीवन को क्या करें, हिंसा से निवृत्त करें, खान पान का सुधार करें, सबके साथ सुंदर व्यवहार करें, और दो अंतिम बात यह है कि आप किसी भी प्रकार के भ्रांतियों में मत उलझिए, जिसके लिए हमारे अनिल साहब ने विस्तार से आपको बताने का प्रयास किया। किसी प्रकार के भ्रम अंधविश्वास पाखंड में मत जाइए, क्योंकि आप दो सूत्र जरूर अपना लीजिए, कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए। अगर आपने मेहनत नहीं किया, परिश्रम नहीं किया, तो आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आपके प्रारब्ध में जो है उसे कोई छीन नहीं सकता, और आपके प्रारब्ध में, आपके किस्मत में, आपके पुरुषार्थ में जो नहीं है उसे कोई दे सकता नहीं। ये पहला सूत्र है। और दूसरा सूत्र यह है कि इस धरती में, पूरे ब्रह्मांड में क्षमा नाम की कोई चीज, ये सूत्र याद रखना, ऐसे मत समझ लेना कि आप कुछ भी करते रह जाएं और लोटा में जल लेकर जाएं, शंकर भगवान में चढ़ाएं और आपके सारे पाप को भस्म कर दें, गंगा में स्नान करें और आपके सारे पाप को भस्म कर दें, आप गीता पुराण सुन लें और आपका सारा पाप भस्म हो जाए, इस धोखे में मत रहना। आपने जो कुछ भी किया है वो कर्मों का फल आप सबको मिलेगा, इसलिए किसी प्रकार का कोई क्षमा नाम की चीज नहीं है। इसलिए भ्रम अंधविश्वास पाखंड में मत उलझिए, कोई टोनहा और टोनी में मत उलझना। हाँ, ये हमारी बहने माताएं बहुत जल्दी यहाँ भले नहीं गोठिया ही, और जाते जाते चुप्पे से गोठिया ही, अमुक घर नहाल गए रहे, वो अगर छीटा पड़ गए ना तब से मोल कैसे कैसे लागते है। नहीं तो आदमी जो है क्या करता है, वो अंधविश्वास में पड़ता है। माताओं से निवेदन कि मन को साफ रखिए, पवित्र रखिए, किसी प्रकार की कोई टोनी और टोनहा, मरी मसान, भूत प्रेत कुछ भी नहीं होता, ये सब मन की उपज है, मन की कल्पना है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, ए भ्रम भूत सकल जग खाया, और जिन जिन पूजा ते जहड़ाया। तो इस प्रकार से किसी प्रकार से भ्रांति में मत फंसिए, एक बार सदगुरु कबीर साहब के सच्चे विचार को समझ लीजिए और मन से पागलपन को निकाल दीजिए कि कहीं भूत होता है, कहीं प्रेत होता है, कोई टोनी होता है, टोनहा होता है, कुछ भी नहीं होता है। ये पंडितों का सबसे बड़ा जाल है, षड्यंत्र है। आज से हजारों साल पहले जिस जाल में फंसा करके हमें मूर्ख बनाया गया, आज पढ़े लिए के शिक्षित समय में भी ये पंडित लोग नए नए जाल गढ़ करके हम लोगों को फंसने के लिए फिर से वो जाल बुन रहे हैं। इस पंडितों के जाल में कभी फंसना मत, इसलिए किसी भी भ्रांति में पाखंड में उलझना मत, क्योंकि आपका परमात्मा आपके हृदय में है, आपका परमात्मा घर के जितने भी सदस्य है वो हैं, और आपका परमात्मा इस संत और गुरुजन है, ये सच्चे परमात्मा है, सच्ची देवी देवता है, इसकी उपासना करिए। इसकी उपासना करने का मतलब है आदर सत्कार करिए और प्रेम के साथ व्यवहार करिए, तो हम सबका जीवन सुंदर होगा। और सदगुरु कबीर साहब का अंतिम संदेश, अंतिम संदेश है, सकलो दुर्मति दूर करूं, अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गति छाड़ के हंस गवन चली आओ। ये सदगुरु कबीर साहब जी का अंतिम संदेश है। पहला संदेश मैंने क्या बताया, अपने जीवन में खान पान का सुधार करना। दूसरा संदेश, अपने जीवन में सबके साथ सुंदर व्यवहार करना, ये दूसरा संदेश। तीसरा संदेश, भ्रांतियों से रहित होकर के, निभ्रांत होकर के जीवन जीना। और निभ्रांत होकर के जीवन कौन जीता है, निर्भय भय तहां गुरु की नगरिया, सुख सोए दास कबीरा हो। जो गुरु के नगर में रहता है, गुरु के नगर मतलब सकरी आश्रम के नजदीक, प्रयागराज के नजदीक, कि इलाहाबाद के नजदीक, कि नवापारा के नजदीक, ये गुरु का नगर नहीं, ये गुरु का स्थान जरूर है, गुरु का नगर है ज्ञान के नगर में रहना, सत्संग के नगर में रहना। जो सत्संग से जुड़ करके रहता है, ज्ञानवान होकर के जीवन जीता है, वो आदमी कभी भी भयभीत होता नहीं है। इसलिए एक छोटा सा निर्देश दूंगा, संकेत करूंगा कि आप अपने बच्चों को कभी भी भयभीत मत करना, कभी भी बच्चों को भय नहीं देना चाहिए। आप खुद भी निर्भय रहिए और बच्चों को निर्भय होने के लिए संकेत करिए। तो तीसरा संकेत मैंने किया, निभ्रांत होकर के जीवन जीना। और अंतिम और असली बात क्या है,
दुर्गुणों का त्याग करके मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। तूने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, इसलिए अपने हृदय रूपी आंगन से जितने भी काम क्रोध लोभ और बुराई रूपी कूड़े कचड़े हैं सबको बुहार दीजिए, सबको साफ कर लीजिए, फिर क्या हो जाएगा। कबीर मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। फिर हमें परमात्मा के पीछे नहीं बल्कि परमात्मा हमारे पीछे आने लगेंगे। वो कौन से परमात्मा? सज्जन रूपी परमात्मा, संत रूपी परमात्मा। ये परमात्मा, ये वास्तव परमात्मा है, यही सच्चे परमात्मा है। ये सब हमारे घर में आने लग जाएंगे। जिस प्रकार से सबरी के दरबार में श्री राम पहुंच गए, वैसे आप और हम सबके घर में संत गुरुजन रूपी परमात्मा भी पधारने लग जाएंगे, और हम सबका जीवन और हमारा घर स्वर्ग से भी सुंदर हो सकता है। इस कबीर जयंती के पावन अवसर पर आप सबने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं यहीं पर अपने वाणी को विराम करता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय।